तो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस टू माय चैनल। और आप सभी भाई लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज का दिन यार बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही एक्साइटमेंट है आज। इसलिए सुबह 4 बजे से उठा हुआ पड़ा हूँ क्योंकि आज है विजय दिवस और हम निकले हैं विजय दिवस की राइड पे, एक संडे राइड पे जो कि गेट टुगेदर हो रहा है फ्रॉम ऑल दिल्ली NCR से। पूरे दिल्ली NCR से लोग राइडर्स आ रहे हैं और आज हम करने वाले हैं फॉर अ कॉज ऑफ विजय दिवस, वन नेशन वन राइड। तो अभी सुबह का बज रहा है 5 और हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वो है मुबारक चौक, क्योंकि हमारी राइड जाने वाली है आज यहाँ से। दो मीटिंग पॉइंट है पर हमारा जो लास्ट है वो मुबारक चौक है, जहाँ पे सारे फ्लैग ऑफ होगा और हम जाएंगे मूर्थल तक। तो मूर्थल तक 30 किलोमीटर की राइड होने वाली है और बहुत सारे राइडर्स आने वाले हैं, गिनती तो मुझे पता ही नहीं है। बाकी मैं कुछ से मिलने जा रहा हूँ, तो अभी मैं हूँ द्वारका मोड़ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे करीबन 15-20-25 लोग खड़े हैं ऑलरेडी, वेट कर रहे हैं मेरा क्योंकि मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो जल्द जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। और आप लोग भाई जितने चैनल पे हैं यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, जल्दी से करो। मिलते हैं आपको आगे राइड पे। तो ये देखो भाई, सारी बाइकें खड़ी हैं भाई, कितना अच्छा लग रहा है, इतनी सारी बाइक्स वगैरह खड़ी हैं। तो फिलहाल यार हम लोग पहुंच चुके हैं आपका पानीपत वाले हाईवे पे, जो कि हमारा फ्लैग ऑफ पॉइंट था। और यहाँ पे भाई भीड़ देखो, सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल, और भाई राइडिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं फॉर अ कॉज ऑफ वन नेशन वन राइड, हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ पे। आप मतलब जितनी दूर आप देख सकते हो, पूरा सारा आपका पूरा राइडिंग ग्रुप खड़ा हुआ है, राइडर्स आते जा रहे हैं क्योंकि अभी फ्लैग ऑफ होने वाला है। तो आप देख पा रहे होगे यार कि एक से एक बाइकें, ये देखो BMW खड़ी है आपका और RR 1000, बाकी आप लोग देख पा रहे होगे इधर कि मेरी, मैं तो थोड़ा सा जल्दी आ गया था इसलिए आगे पहुँच गया था, बट अगर आप देख पा रहे होगे तो लाइन इतनी पीछे, कम से कम आपका 7 से 8 किलोमीटर तक, ये देखो 7 से 8 किलोमीटर तक आपका पूरा लाइन लगा हुआ है इधर। और आप देख पा रहे होगे अगर थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। और वो देखो यार उस साइड, वो पूरा कैमरा वैमरा पूरा लगा हुआ है इस साइड पर। और यहाँ और हर जेंडर के लोग हैं यहाँ पे, हर एज के लोग हैं, इंडियन मार्शल्स हैं, इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी हैं, काफ़ी हैं। मतलब मैं चलता जाऊँ तो थक जाऊँगा क्योंकि ये मधुबन चौक से आपका, मधुबन चौक कह रहा हूँ मैं आपको, मुबारक चौक से लेके ये आगे के 7 किलोमीटर तक, ये देख रहा हूँ आपका सारा राइडिंग कम्युनिटी और नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पे कनेक्ट होते जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, गिनती नहीं खत्म हो रही। और अगर ऐसे मैं चलता चला गया तो मैं 10 किलोमीटर पीछे चला जाऊँगा। तो यार चलो पहले चलते हैं अपने बाइक के पास और यहाँ से फिर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पे। तो अभी ये मतलब हर बंदा देख रहा हो कैमरा अपना GoPro लगा के घूम रहा है, सेट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है, एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ लोग हैं, अभी पूरा हाईवे ब्लॉक करने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देखो पूरा, मतलब हर कलेक्शन की बाइक वगैरह खड़ी है, हिमालयन भी बहुत सारी हैं और एक्सपेंसिव बाइक्स भी हैं। तो दिखाते हैं पीछे लाइन कितनी बड़ी लगी है भाई, आगे तो है ही है और पीछे कितने हैं देखो। ये देखो भैया जी पूरा लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ये देखो। ये मतलब गिनती यार हजारों में है, मतलब यहाँ पे तो काउंट ही नहीं कर सकते पूरा पूरा। ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है पूरा दिल्ली NCR इधर ही आ गया हो, ये देखो। ये देखो पूरा, मतलब ब्रो सेना भाई नहीं, ये दिल्ली सेना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आज हम पूरा शहर उठा के ले आए दिल्ली NCR। और अभी मतलब ये पूरा आपका
और 7 से 8 किलोमीटर तक का पूरा है चक्का जाम। और मतलब जाने को तो और भी पीछे जा सकते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है। और पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने राइडर कम्युनिटी के सारे लोग निकल चुके हैं, करनाल वाले हाईवे पे हैं वो। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि भीड़, मतलब भीड़ आपने देखा अभी कम से कम हज़ारों की तादाद में बाइकर्स हैं। और बाइकों की तो मतलब कोई नहीं है कि आपका हर तरीके की बाइक आपको दिखेंगी, सुपर बाइक, सुपर सभी ऊपर वाली बाइक। और आपका मतलब एग्जॉस्ट साउंड अलग, 50 बाइक है तो सुपर बाइक्स हैं यहाँ पे। तो चलो पहले वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे हमें पहुँचना है, मोजो लैंड, क्योंकि आज का जो डेस्टिनेशन है जहाँ हमारा मतलब सारा गैदरिंग होगा सभी लोगों का, जो स्टॉप है वो है मोजो लैंड, जो कि मूर्थल के पास पड़ता है। अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं पहले आपको वहाँ पे राइड पे लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं, आपको वर्चुअली एक्सपीरियंस कराएंगे और दिखाते हैं कि आप लोगों को कि वहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या है मोजो लैंड, क्योंकि हम भी नहीं गए हुए हैं। तो आपको मोजो लैंड भी देखने को मिलेगा और जिस पर्पज़ से जा रहे हैं वो ऐसा क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पूरा हाईवे जाम, भैया जाम लग गया रे। उधर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इधर सारी बाइकिंग कम्युनिटी, ये देखो। लेकिन अच्छी बात है कि सारे सेफ्टी प्रिकॉशन से चल रहे हैं यहाँ पे। ऐसा तो बहुत रेयर होगा कि जिसने प्रोटेक्शन या नहीं ले रखा होगा। ये देखो पूरा जहाँ तक देख पा रहे होगे पूरा ये आगे का चल रहा है आपका। तो ये है हमारे अनुराग भाई और ये गुड़गांव में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियोस में हमें पीछे। तो ये अब हमें सपोर्ट करने आए हैं सारे, मतलब वैसे तो सारे हमारे साथी हैं। और ये भाई भी है यहाँ पे। तो ये मुझे जो द्वारका मोड़ पे सुबह मिला था मॉर्निंग में, जो मुझे यहाँ तक लेके आया। और वो देखो ड्यूक वाली आंटी है भाई, बेसिकली आंटी। ओ भाई बाइक देखो, और लड़की है भाई ये। टायर देखो, ट्रैक्टर वाले टायर है भाई, क्या बाइक लेके चल रही है। ये देखो अलग से उनकी हार्ले होगी पक्का, क्या बात है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है इसमें। ये लगे हुए स्पीकर हेडलाइट की जगह, देख रहे हो आप ऊपर जहाँ शीशे लगे हैं वहाँ हेडलाइट लगी है, हार्ले डेविडसन। तो फाइनली भैया जी हम लोग पहुंच चुके हैं मोजो लैंड। आप लोग देख पा रहे हो लेफ्ट में मेरे वो है मोजो लैंड और यहाँ पे हैं सारे राइडर्स। ये देखो पूरा पूरा बना हुआ है, भरा हुआ है। हम एंट्री करने वाले हैं मोजो लैंड की, ये है मल्टी थीम पार्क। तो बेसिकली ये पार्क है यहाँ पे देखो। ओके ब्रो, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है ये। सामने शायद गेट है जिसका अभी खुलासा होगा थोड़ी देर में, अभी पहले हम बाइक लगाते हैं। ये एंट्री गेट है यहाँ पे मोजो लैंड का, इधर देखते हैं। और ये देखो भाई ये है भीड़, लाइन लगाई हुई है यहाँ पे लोगों ने। और ये सारा भीड़ वाला एरिया ये देखो। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, अभी हम अंदर जाएंगे एंट्री वहाँ से हो रही है, तो अभी पीछे से अभी जब अंदर जाएंगे तो फिर अंदर देखते हैं कैसा बना हुआ है कैसा नहीं है। और नाश्ता वगैरह भी करना है क्योंकि भूख लग रही है। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। बैंड अपना सारा कचपुरा बैंड हो चुका है, ये एंट्री है यहाँ पे। बैंड वालों को बुलाओ इधर, लाइए बैंड लग गया, जिस जिसका बैंड लग गया वो ये एंट्री करेगा। हाँ ये है एंट्री गेट और ये देखो अंदर का नज़ारा, ये सारा अंदर का नज़ारा है। हमें मिले हैं टोकन्स और बैंड, तो ये मिला है हमें वन नेशन वन राइड वाला ये, और आपका ये जो बैंड है ये बैंड मिला है। और ये देखो क्राउड यहाँ का अंदर।
मेरे नंबर दे दो अगर काफी जाना मजा आ रहा है यहाँ पे यार, मतलब चिल आउट करने के लिए काफी अच्छा है। जो बंदे राइडिंग करते हैं उनके लिए भी, और हमारा मतलब मैंने सोचा नहीं था कि विजय दिवस मेरा इतना अच्छा जाएगा। फ्रॉम द बिगनिंग सिंस मॉर्निंग अभी तक का बहुत ही अमेजिंग रहा है, और अभी आगे का भी जो भी होगा वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है एज आई एक्सपेक्टेड। तो चलो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो चलो लेके चलता हूँ मैं आपको आगे की तरफ और दिखाता हूँ अंदर के व्यू, मतलब आप तो बाकी देख ही पा रहे होगे सारा। पहली बार आए हैं? हाँ, हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे और काफ़ी मस्ती वगैरह चल रही है इधर। अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं, मतलब पीछे अलग लेवल का होगा सारा, मतलब पूरा ये देखें। तो ये देखो, ये है विजय दिवस वन नेशन वन राइड का सारा, और ये पूरा गैदरिंग हो रखी है सामने, ये देख पा रहे होगे आप लोग। दिखाता हूँ अंदर से। मातरम वंदे, मातरम आवाज नहीं आई, वंदे मातरम। अल्टरनेट वाले बोल रहे हैं, एक को छोड़ के दूसरा बोल रहा है। इधर से सवाल ये कि ये वाला जो हाफ क्राउड है ये मेरा है, वो तेरा है, लगा ले आजा। चलो लगा लेते हैं। भारत माता की जय। अरे इधर वाले आवाज नहीं दे रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो यहाँ पे हो रही है हमारे नाश्ता चाय, ये जो सारा लगा हुआ है इधर, और उधर भी है। अब पूछते हैं यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। और ये देखो पूरा पूरा स्पोर्ट का है इधर पूरा, जैसे देख पा रहोगे ये स्विमिंग पूल वगैरह सारा सब कुछ अच्छा बना रखा है उन्होंने। और चलो यार पहले चाय वगैरह देखते हैं यहाँ पे। हम जो खाते हैं ये सिर्फ एक ही प्रोफेशन है हिंदुस्तान का, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ 71 की लड़ाई से इसका क्या संबंध है। अब इसी से जुड़ा हुआ आखिरी बात बता रहा हूँ, इसी प्रकार हमारे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, 71 की लड़ाई में इनके 90,000 सैनिकों को कैद करके बंदी बना के बाद में हैंडओवर किया गया, और जो बेइज्जती इनकी हुई है वो इस 2000 साल में किसी भी सेना की नहीं हुई है। तो इसके बदले में जो कसम हमने खाया वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन पाकिस्तान सेना के हर जवान जो कसम खाता है मालूम है आपको क्या है? वो ये कसम खाते हैं कि 71 की लड़ाई का बदला लेंगे हम मरने तक, हम अपनी जान 71 की लड़ाई। हम यहाँ पे आए थे विजय दिवस में और हमें मिला है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का ये सर्टिफिकेट, और अब इसके बाद हमें मिला है यहाँ पे ये बैच वन नेशन वन राइड का। तो काफ़ी मज़ा आया इधर यार राइड करके। तो अभी यहाँ का मतलब परफॉर्मेंस वगैरह चल रही है यहाँ पे, बच्चों की कुछ परफॉर्मेंस होंगी, कुछ गिटार से भी गिटार वगैरह बजा रहे थे यहाँ पे, कुछ मर्चेंडाइज हैं जो कि प्रमोशन करने आए हैं, और बाकी आप सबने क्राउड को देखा ही हुआ है सारा। अब हम यहाँ से चलते हैं, पहले रैपअप करते हैं और फिर दिखाते हैं। आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, आज का दिन का जो शुरुआत से लेके अभी तक का काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हमने एंजॉय किया। और अंदर भी मोजोलैंड में जो भी फंक्शन वगैरह थे काफ़ी अच्छे थे। वहाँ की बाइक अभी तो चल रहा है, प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, बट हमें कुछ और भी काम थे, हम लेट हो रहे थे तो हम निकल गए यहाँ से। तो आई होप आप सभी भाई लोगों ने बहुत सारा इन्जॉय किया होगा जैसे कि मैंने किया। और अगर इन्जॉय किया यार तो वीडियो को फटाफट शेयर लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि वीडियो में अच्छा क्या लगा आपको।